नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक और ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे, तो बहुत हेल्दी है ये। हम सैंडविच बनाएंगे तो उसमें स्प्राउट्स डालेंगे हम और पनीर डालेंगे, तो इससे बहुत हेल्दी सैंडविच बनेंगे। आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और ये स्प्राउट्स मैंने अच्छे से देखे स्प्राउट किए और इनको हल्का सा बॉईल कर लिया। आप चाहे तो कच्चे भी डाल दें पर बॉईल से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इन्हें बिल्कुल हल्का सा आप गर्म पानी में डालकर निकाल लें एक दो मिनट के लिए। और तेल गर्म होने पे देखिए हम जीरा डालेंगे और एक ही मैंने छोटा प्याज काट के बहुत बारीक काट के उसे भी तेल में डाल दिया है। इसे हम एक दो मिनट के लिए भून लेंगे। अब एक टमाटर डालेंगे यहाँ बारीक काट के, इसे भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे। इसके बाद देखिए मसालों में हम लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और नमक, बस ये तीन मसाले डालेंगे इसमें। थोड़ा लाइट मसालों वाला बनाएंगे इसे हम। और ये मैंने एक कटोरी देखिए उबला हुआ आलू लिया है और ये पनीर मैश करके लिया है छोटी कटोरी। अब इन्हें अच्छे से मिलाकर थोड़ा कुक कर लेंगे और आलूओं को हम दबाकर मैश कर लेंगे। अब ये बॉईल किए हुए हम स्प्राउट्स डालेंगे यहाँ। तो देखिए बहुत ईजीली बहुत हेल्दी ये हमारा सैंडविच का मसाला रेडी हो गया है। अब हम ब्राउन ब्रेड लेंगे, आप वाइट भी ले लीजिए। और ये सैंडविच की चटनी है जो सिर्फ पुदीने, धनिया और मिर्च से बनती है, ये इस पर लगाएंगे। और इसके बाद हम आलू और स्प्राउट्स का मसाला इस पर अच्छे से लगा लेंगे और इस तरह से इसको सैंडविच की तरह कवर करके दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक बहुत अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसके अंदर प्रोटीन इतना है तो बहुत हेल्दी हो गया है ये। देखिए बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। तो आप ये सैंडविच बनाइए स्प्राउट्स का। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।